गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दैट्स अ 10th क्लास लर्निंग वीडियो। हम लोग चैप्टर 3-4 स्टार्ट कर चुके हैं और तीन वीडियो हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अभी हम लोग 4.2 एक्सरसाइज के हमने 5 क्वेश्चंस किए हैं, उसमें से भी हमने एक क्वेश्चन कुछ सेकंड क्वेश्चन छोड़ा हुआ था। अभी हम 6 क्वेश्चन करेंगे क्योंकि हमने कल 5 क्वेश्चन तक कर लिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से पढ़ते हैं, फिर इसके जैसा एक और क्वेश्चन आपके बुक में है उसको भी करेंगे। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे। A cottage industry produces a certain number of articles in a day. It was observed in a particular day the cost of production of each article 3 more than twice the number of articles produced on that day. एक आर्टिकल की कीमत एक दिन में जितने आर्टिकल उस फैक्ट्री में बनते हैं उससे 3 रुपए ज्यादा है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 5। Let number of आर्टिकल्स प्रोड्यूस इन वन डे इक्वल एक्स, एक दिन में एक्स आर्टिकल बनते हैं। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ध्यान से देखिए एक आर्टिकल कितने का होगा। देखो फिर से क्या लिखा हुआ है, 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन वन डे। देखो एक आर्टिकल की कीमत 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन वन डे। एक दिन में जितने भी आर्टिकल बनते हैं उसके ट्वाइस से 3 रुपए ज्यादा, ये एक आर्टिकल की कॉस्ट होगी। एक आर्टिकल हो गया 2x + 3 और एक दिन में कितने आर्टिकल बनते हैं, तो बताइए। सो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, x मल्टीप्लाई 2x + 3। भाई जब एक आर्टिकल इतने रुपए का है तो x आर्टिकल कितने के होंगे, x की हमने इससे मल्टीप्लाई कर दी। ये कॉस्ट है हमारे पास रुपीस के लिए, एक आर्टिकल की कीमत है। कुछ आया समझ में, एक दिन में जितने आर्टिकल बनते हैं एक आर्टिकल की कॉस्ट टोटल आर्टिकल के ट्वाइस से 3 ज्यादा है। ठीक है, तो अगर एक आर्टिकल इतने रुपए का है तो एक्स आर्टिकल कितने के होंगे, हमने दोनों को टोटल कॉस्ट कर दिया। और टोटल कॉस्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, एक दिन में टोटल कॉस्ट दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक्स मल्टीप्लाई 2x + 3 को बताइए किसके इक्वल रख देंगे, 90 के। क्यों रख देंगे 90 के इक्वल, क्योंकि ये एक दिन की टोटल कॉस्ट क्वेश्चन में दे रखी है। तो ये भी टोटल कॉस्ट और ये भी टोटल कॉस्ट, बस अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, मल्टीप्लाई करिए 2x² + 3x - 90। कुछ कॉमन तो है नहीं, तो इसे मिडिल स्प्लिट से करेंगे और 90 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 180 आता है। 180 के फैक्टर निकालते हैं, 290, 245, 315, 35 जा माइनस करके 3 आना चाहिए। ऐसे नंबर छाटते हैं जिन्हें माइनस करके 3 आना चाहिए, छाट लिया 5 3 = 15 3 = 45 2 2 = 4, नहीं माइनस करके 3 आना चाहिए, 2 2 = 4 3 = 12 और 5 3 = 15, ये 15x - 12x। देखा इनमें से ही नंबर छाटे होते हैं, तो x कॉमन ले लिया 2x + 15, माइनस का अब देखो यहां पर अंदर 2 बचना है तो 6 कॉमन ले लिया तो 2x और अंदर साइन चेंज हो गया, 2 का टेबल 6 का टेबल 90 पे चलाएंगे 15, क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, तो 2x + 15 और x - x। ठीक है, क्या करेंगे इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखेंगे, तो 2x प्लस 15 को भी 0 के इक्वल और x - 6 को भी 0 के इक्वल, ये हो गया -15, x का आंसर हो गया -15/2 और x की वैल्यू हो गई 6। ठीक है, अब x कौन है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स एक दिन में बनने वाले, लेकिन आर्टिकल की संख्या कभी माइनस तो होती नहीं है, तो लिख देंगे नॉट पॉसिबल। तो क्या आंसर हुआ, सो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन वन डे, बताइए कितने, एक दिन में 6 आर्टिकल बनते हैं और क्या लिखूं, सो कॉस्ट ऑफ Each article कितना 2x + 3, 2 × 6 + 3, 12 + 3 कितने रुपीज, 15। देखिए
एक आर्टिकल 15 रुपए का है, तो बताइए 6 आर्टिकल कितने के होंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो 90 आएगा। बिल्कुल सही एकदम, क्वेश्चन आपका क्रॉस चेक हो गया फटाफट। बोलिए आया समझ में कि नहीं। एक दिन में एक्स आर्टिकल बनते हैं, एक आर्टिकल की कॉस्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 more than 2x द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन वन डे। तो एक आर्टिकल अगर इतना का आया है तो एक्स आर्टिकल कितने के होंगे, दोनों को मल्टीप्लाई किया टोटल कॉस्ट आ गई। टोटल कॉस्ट क्वेश्चन में भी दी हुई है, दोनों को इक्वल रखा, क्वांटिटी इक्वेशन बनाई, नेगेटिव आंसर छोड़ दिया। इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आर्टिकल की संख्या कभी नेगेटिव और फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, या तो 10 बनेंगे या 15, माइनस कैसे बन जाएंगे। तो एक आर्टिकल, अब एक दिन में 6 आर्टिकल बनते हैं और एक्स के इस आंसर को मैंने यहां पुट कर दिया, तो एक आर्टिकल की कॉस्ट आ गई। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, तो इसके जैसा हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, आप अपनी बुक में एग्जाम्पल नंबर 1 निकालेंगे ना, एग्जाम्पल नंबर 1, और उसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। एग्जाम्पल 1 का कौन सा पार्ट, सेकंड पार्ट, ये लिखिए एग्जाम्पल 1 का सेकंड पार्ट, ये देखिए मैं पढ़ रहा हूं। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। ए कॉटेज इंडस्ट्री एक दिन में कुछ टॉयज बनाती है। द कॉस्ट ऑफ ईच टॉयज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे, द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ए डे। तो पहले लिखूंगा लेट नंबर ऑफ टॉयज इन वन डे। बताइए एक दिन में कितने टॉयज बनते हैं, एक्स। सो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, बताइए एक टॉय की कॉस्ट कितनी है, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन वन डे। देखिए ये एक आर्टिकल की कॉस्ट है, एक टॉय की कॉस्ट है, तो बताइए कौन बताएगा टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे। टोटल कॉस्ट एक्स मल्टीप्लाई 55 माइनस एक्स। सोच के देखिए, जब एक टॉय 55 माइनस एक्स का है तो एक्स टॉय कितने के होंगे, एक्स को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब बताइए क्वेश्चन के अंदर आपको टोटल कॉस्ट क्या दी हुई है, 750। तो एक्स मल्टीप्लाई 55 माइनस एक्स को 750 के इक्वल रख देंगे। ये देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं, यहां ये जगह हमारे काम आ जाएगी। अब मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 750, इन दोनों को उधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750। बताइए इस साइड से क्या बच गया, जीरो। अब प्लस करके 55 आना चाहिए, ऐसे फैक्टर बनाने हैं, ब्रैकेट में इसलिए लिखेंगे क्योंकि बाहर साइन माइनस का है। अब मैं 750 के फैक्टर बनाता हूं, ये देखिए 750 के फैक्टर बनाते हैं, 2 3 6 1, 2 7 14 1, 2 5 10, 3 1 3 3 2 6 3 5 50, 5 25 5 5 5 1। अब आपको इन सब में से ऐसे नंबर छांटने हैं जिन्हें प्लस करके 55 आए। आइए छांटते हैं, 2 3 6 5 30, 5 5 25। तो 30 और 25 को प्लस करके बिल्कुल सही एकदम पड़ गया, पता चल गया 30x प्लस 25x। ये देखो 2 3 6 5 30 और 5 5 25। तो चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 30x, अंदर का साइन चेंज कर देते हैं, ये देखिए अब प्लस के 750। ये देखिए अब x कॉमन ले लीजिए, अंदर बच गया x माइनस 30, माइनस के 25 कॉमन लीजिए। जब आप माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो अंदर का साइन भी पलट जाएगा और 25 सीधा, ये देखिए और इक्वल चल रहा है जीरो। तो एक ब्रैकेट में x माइनस 30 और एक ब्रैकेट में x माइनस 25। ठीक है, यहां तो हमारा एक आंसर पॉजिटिव आ रहा था, एक नेगेटिव आ रहा था, यहां तो दोनों आंसर पॉजिटिव आ रहे हैं, यानी कि इस क्वेश्चन के इस समय हमारे पास दो आंसर आने वाले हैं। तो क्या करें, एक बार x माइनस 30 को जीरो के इक्वल रखेंगे, x की वैल्यू 30, और एक बार x माइनस 25 को जीरो के इक्वल रखेंगे, x की वैल्यू 25। ठीक, अब उसने क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा कि नंबर ऑफ टॉयज भी बताना है, और तो टोटल तो नंबर ऑफ टॉयज 30 भी हो सकते हैं और 25 भी हो सकते हैं। तो आप अपना स्टेटमेंट क्या दे देंगे, सो नंबर ऑफ टॉयज इन प्रोड्यूस इन वन डे इक्वल
30 एंड कॉस्ट ऑफ ईच टॉय बताइए कितना 55 माइनस एक्स 55 माइनस 30 तो आंसर आ गया आपके पास 25 ठीक है। एक टॉय 25 रुपए का है और 30 टॉय आपने एक दिन में बनाए दोनों की मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 750 आएगा। सेकंड केस ये देखिए सेकंड केस नंबर ऑफ आल्सो नंबर ऑफ टॉयज इन वन डे टॉयज प्रोड्यूस्ड इन वन डे अब बताइए एक दिन में कितने टॉयज बनेंगे पहले आंसर 30 लिया अब कौन सा लेंगे 25 तो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय क्या लिखूं 55 माइनस एक्स यानी कि 25 तो क्या आंसर हो गया रुपीज 30 तो अगर 30 टॉयज लेंगे तो 25 आंसर आएगा 25 टॉयज लेंगे तो 30 आंसर ठीक है ऐसे दोनों आंसर निकाल कर आने हैं तो समझ में आ गया। अब मैं इस एग्जांपल वन का फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं ये फर्स्ट पार्ट कौन से क्वेश्चन की तरह है ये जो 4.2 का आपने किया था क्वेश्चन नंबर 3 आइए पढ़ के देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जॉन एंड जीवंती है 45 मार्बल्स जॉन और जीवंती के पास मिलाकर 45 मार्बल्स है बोथ ऑफ देम lost 5 marbles each then product of the number of marbles they now have 124 we would like to find how many marbles they had to start with ab dono logon ke paas milakar hai jor aur jivanti ke paas yaad kariye humne 4.2 ka jab second question kiya tha to usme likha hua tha the sum of two number is 27 याद करिए अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा है क्वेश्चन को अपने हाथ से किया है तो आपने कहा था फर्स्ट नंबर x होगा और अदर नंबर 27 माइनस x होगा ठीक है। अब जॉन और जीवंती के पास मिलाकर 45 मार्बल्स हैं तो मैं लिखूंगा लेट एग्जांपल वन लेट जॉन हैव मार्बल्स x देन जीवंती Have marbles. बताओ कितना 45 माइनस एक्स बात वही है एक ही बात को दो तरह से कहा क्या पहली बात कैसे कही कि द सम ऑफ टू नंबर इज 27 दो नंबर का सम 27 है एक एक्स होगा तो दूसरा क्या होगा 27 माइनस एक्स होगा और दूसरी बात क्या कही कि दो लोगों के पास मिलाकर 45 मार्बल है अब सपोज कीजिए अगर एक के पास 30 है तो दूसरे के पास क्या होंगे 45 में से 30 माइनस कर दीजिए 15 ऐसे ही अगर इन दोनों में से किसी एक के पास x है तो दूसरे के पास क्या होंगे 45 माइनस x अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहे हैं दोनों के पास से पांच पांच मार्बल लॉस्ट हो गए देखिए दोनों के पास से पांच पांच मार्बल खत्म कर दिए तो उनका प्रोडक्ट 124 हो गया। अब बताइए जॉन के पास अगर x मार्बल्स थे और 5 कम कर देंगे तो x माइनस 5 जीवंती के पास से अगर कम कर देंगे तो 45 माइनस x माइनस 5 बताइए इनका प्रोडक्ट क्वेश्चन में कितना हो गया 124 देखिए दोनों के पास से 5-5 मार्बल कम हो गए ठीक है तो x माइनस 5 45 में से 5 माइनस गया 40 माइनस x इक्वल 124 जब दो ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करते हैं 40x और माइनस का x स्क्वायर माइनस का 200 माइनस माइनस प्लस के 5x और इक्वल 124 तो 40x और 5x हो गए 45x माइनस x स्क्वायर माइनस का 200 और इक्वल 124 अब इन सबको उधर ले जाते हैं तो x स्क्वायर माइनस का 45x प्लस के 200 प्लस के 124 जब ये सब राइट साइड में चले गए तो बताइए इक्वल में क्या बच गया जीरो बच गया देखिए यहाँ जीरो बच गया अब क्या इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 45x और प्लस के 324 इक्वल जीरो अब हम इसे मिडिल स्पीड से सॉल्व करेंगे देखिए फिर से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई देखा आपने मिडिल स्पीड कितना कम आ रहा है सब जगह मिडिल स्पीड कम आ रहा है ठीक है तो प्लस करके 45 आना चाहिए अब ऐसे फैक्टर बनाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट लगा दिया क्योंकि आगे मुझे माइनस का साइन आ गया इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया ये देखिए 45 आना चाहिए प्लस करके तो और एलसीएम लेंगे किसका 324 का तो चलिए 324 का एलसीएम ले लेते हैं 2 × 2 1 2 6 × 12 2 × 4 2 8 × 16 2 × 2
3 27 3 9 3 3 3 9। अब इसमें से मुझे ऐसे नंबर छांटने हैं जिन्हें प्लस करके कितना आए, 45 आए। आइए छांटते हैं, 2 2 4 3 12 12 3 36 और 3 3 9। देखा आपने दो फैक्टर कौन कौन से बन गए, 36x और 9x। ये देखो 36 और 9 को प्लस करके 45 आ रहा है। x स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x और प्लस के 324 और इक्वल टू, ये देखिए ठीक है। तो x कॉमन ले लीजिए, अंदर बच गया x माइनस 36, माइनस के 9 कॉमन लेंगे तो अंदर का साइन पलट जाएगा और 9 का टेबल 36 चलेगा, ठीक। अब एक ब्रैकेट में x माइनस 36 और एक ब्रैकेट में x माइनस 9, इन दोनों ब्रैकेट के सेम आने का मतलब हुआ कि आपका सब काम ठीक चल रहा है। अब इन दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल रखो, एक बार x माइनस 36 को जीरो के इक्वल रखो तो ये 36 आ गया, तो एक बार x माइनस 9 को जीरो के इक्वल रखो तो आपके दोनों आंसर पॉजिटिव आए, तो दोनों आंसर आपके ठीक है। तो देखिए अगर मैं पहले 36 लूं, सो जॉन हैव मार्बल्स 36, देन जीवंती हैव मार्बल्स 36 माइनस कितना, सॉरी 45 माइनस एक्स की वैल्यू 36, बताओ क्या आंसर आया, 9। सेकेंड केस, इफ जॉन हैव मार्बल्स यानी कि 9, देन जीवंती हैव मार्बल्स 45 माइनस 9, क्या आंसर आया, 36। तो ये क्या आंसर शो कर रहा है, ऐसा नहीं है कि जॉन के पास ज्यादा होंगे, अगर जॉन के पास ज्यादा है तो जीवंती के पास कम होंगे और जीवंती के पास अगर ज्यादा है तो जॉन के पास कम होंगे। तो ऐसे हमारे दो आंसर, तो दोनों को ऐसे एक्सप्लेन करके आना है नहीं तो आपका एक नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो देखा आपने दो नंबर का सम 27 था, दो नंबर का सम, तो एक नंबर एक्स हो गया तो दूसरा 27 माइनस एक्स हो गया, यहां दो नंबर का सम 45 है यानी कि जॉन और जीवंती के पास मिलाकर 45 है, तो जॉन के पास एक्स हो गए और जीवंती के पास 45 माइनस एक्स हो गए, ठीक है। आया समझ में, आगे भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, आगे बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग एग्जांपल नंबर 2 पर चल रहे हैं, सॉरी 3 4 5 हमने करा लिया था, एग्जांपल नंबर अब हम चल रहे हैं कौन सा था ये, हाँ ठीक है, ये सब तो हो गए थे, एक एग्जांपल है हमारा अभी दिखाई नहीं दे रहा, एग्जांपल 1 हो गया, एग्जांपल 2 आपने कर दिया और एग्जांपल 3 4 5 हो गए, और ठीक है एग्जाम्पल नंबर 6 तो 4.1 सेक्शन देख के करना है तो उसको पढ़कर आप अपने आप करिएगा। आज हम लोग यही तीन क्वेश्चंस करेंगे, एक तो हमने कौन सा क्वेश्चन किया, 6 किया, एग्जाम्पल नंबर 1 के दोनों पार्ट किए, तो ये तीन वर्ड प्रॉब्लम आप कंप्लीट करिए, ठीक। थोड़ा थोड़ा काम को आगे बढ़ाते हैं जिससे आपका काम भी ज्यादा इकट्ठा ना हो और आप अच्छे से वीडियोस को भी अच्छे से देख सकें, ठीक है। तो ये सब अच्छे से समझिए, इन्हें करिए, नेक्स्ट टाइम अगली एक्सरसाइज चलने से पहले मैं कुछ और छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके पास लेकर आऊंगा, पहले उन्हें कंप्लीट करेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को, फिर हम लोग 4.3 पर चलेंगे, ठीक। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, गॉड ब्लेस यू।